नमस्कार, मैं हूं राशिका बजाज। आप देख रहे हैं जीएन भारत। गुमला पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापामारी कर 23 किलो गांजा के साथ दो विक्रेताओं को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों में गुमला शहर के डीएसपी रोड निवासी ईश्वर साहू व पालकोट थाना क्षेत्र के उमड़ा गांव निवासी श्रवण साहू के नाम शामिल है। दोनों अभियुक्तों को पुलिस ने गुरुवार को जेल भेज दिया। इस संबंध में गुमला थाना परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एसडीपीओ मनीष चंद्रलाल ने बताया कि डीएसपी रोड स्थित ईश्वर साहू के चंचल लेडीज कॉर्नर में गांजा बेचा जा रहा है। पुलिस अधीक्षक को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद एसपी के निर्देश पर एसडीपीओ के नेतृत्व में एक छापेमारी टीम का गठन किया गया। गठित टीम ने ईश्वर साहू के चंचल लेडीज कॉर्नर में छापा मारा, जहां पुलिस ने 500 ग्राम गांजा व स्टील का एक तराजू बरामद किया और ईश्वर साहू को गिरफ्तार कर लिया। जिस पर पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार एक टीम का गठन किया गया, जिसमें थाना प्रभारी पुनी विनोद कुमार और पुवानी मुजम्मिल सुदामा राम और के साथ में हम लोग छापामारी किया गया। जिस छापामारी में हम लोग ने उसके लूटे गए उसके ड्राइव उसका उस वाहन के चालक से पूछताछ गहन पूछताछ किया गया। सब पूछताछ में चालक द्वारा अपनी कार में संलिप्तता स्वीकार की गई और अपने साथियों का नाम बताया गया कि ये घटना हम लोग हमारे साथी साथ मिलकर किया गया है। इस घटना का हुआ है कि जब ये जो हमारे व्यापारी करीब शाम के 6 बजे ठटरी टांगर में ये अपने गाड़ी पहुंचे और उससे बोले कि मेरा बैग में पैसा है, इसको अंदर रख दो। जिस पर वो ड्राइवर अपने साथी कोटाम गांव के अपने साथी को खबर कर दिया, जिस परवेज को, और परवेज अपने 3 साथियों के साथ जाकर ये रात में करीब 9:15 बजे के बीच में घटना टसेरा में किया, जिसमें 3.5 लाख रुपये लूट के ले गए, जिसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए और उसमें एक परवेज को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से एक। अपने राज्य से जुड़ी हर ताज़ा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।